एकदम से रोने लग गए। सच में बहुत ही मुश्किल था। अब मैंने तो नहीं जाना यहाँ से। आराम से यहाँ देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है। दिखा दे नदी के सामने जो है इतना बड़ा पत्थर है और इस पे लिखा गया है। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक और अच्छे हैं। तो मिलिए रिदम से। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के और एक ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों टाइम जो है अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। दिन भर जो है हम मजदूरी कर रहे थे, आप सभी को पता ही है हम जो है मजदूरी करते हैं। दोस्तों दिखाते हैं आज का मौसम आपको। आज मौसम जो है काफ़ी साफ था, काफ़ी धूप हो रही थी। तो अभी जो है हम जा रहे हैं दोस्तों जंगली प्याज को देखने के लिए, तैयार हुआ है कि नहीं। तो तैयार हुआ होगा तो दोस्तों लेके आएंगे, अगर नहीं हुआ होगा तैयार तो थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर दोबारा कभी जाएंगे निकालने के लिए। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना जो है आपको भी दिखा दिया जाए आज जंगली प्याज यहाँ का कैसी जगह पर मिलता है और किस तरह का होता है। तो चलते हैं दोस्तों जंगली प्याज लेने के लिए। साथ में रस्सी भी ले जा रहे हैं, थोड़ा सा लकड़ी भी लेके आएंगे वहाँ से। लकड़ियाँ जो है ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी पहले लाई थी पूजा ने। तो शाम का टाइम है दोस्तों, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो हमें जाना है वहाँ पार। ओ वहाँ पार, हाँ जी। रास्ता देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं कितना खतरनाक है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पत्थर कैसे कैसे टिके हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा लगता है कि कभी भी छूट सकता है पत्थर। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे टिके हुए पत्थर। अगर ज़्यादा बारिश होगी दोस्तों यहाँ पर तो ये जो पत्थर दिख रहे हैं आप ऊपर सारा जो है नीचे स्लाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है, देखिए पत्थर कहाँ टिका है ऊपर, है ना। हस्बैंड जी ने रिदम को पेट पे उठा दिया है, रिदम से जो है चलना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए हैं, इतने दूर हम आए थे इधर से तो पार से, तो हम यहाँ पहुँच गए और हस्बैंड जी और रिदम वहाँ पे पहुँच गए। तो मुझे चलने पे मुश्किल हो रहा है तो मैं पीछे ही रह गई हूँ। देखने में तो ये जगह काफ़ी सुंदर है, जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी है। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। रिदम कहाँ बैठ गया है, जबरदस्ती करा है दोस्तों को, दिखाओ मैं कहाँ बैठा हूँ बोल के। तो दोस्तों जो जंगली प्याज है उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदे बीमारी के लिए भी। और यहाँ तो ज़्यादातर यूज़ जो है खाने के लिए यूज़ करते हैं उससे, उस प्याज को। तो चलते हैं दोस्तों दिखाएंगे आपको अगर अभी मिलेगा तो। यहाँ पर जो है नीचे की तरह, मतलब नीचे की जो जगह है लो हाइट की जगह, यहाँ पर जो है कम शम होता है तो ज़्यादातर जो है काफ़ी ऊपर हाइटों में जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कट्टे लेकर बोरियाँ लेकर जाते हैं। तो दो दो तीन तीन बोरियाँ जो है एक ही साथ लेकर आते हैं वो लोग, तो उसे ला के उसे पीस कर जो है बनाना पड़ता है। तो पहले मिल जाए दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो ढूंढना पड़ेगा अभी, नीचे के एरिया में जो है काफ़ी कम मिलता है। पिछले साल तो हम जो है यहाँ पर इसे लाए थे, तो अभी जाके देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं। देखिए दोस्तों किस तरह का पत्थर है, काफ़ी बड़ा है और पता नहीं कहाँ से आया ये। तो दोस्तों वहाँ आगे तक जाएंगे हम लोग प्याज ढूंढने के लिए, तो चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप सामने पत्थरों पर किस तरीके से जो है लिखा गया है, पास से दिखाते हैं आपको।
तो हमने जैसे कि दिखा दिया, नदी के सामने जो है इतना बड़ा पत्थर है और इस पे लिखा गया है, जैसे कि हिंदू धर्म पे बोलते हैं ओम नमः शिवाय ओम, वैसे ही यहाँ के बुद्धिस्ट धर्म पे जो है ये लिखा गया है, तो वहाँ से है ये लिखा गया ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम लिखा गया है यहाँ पे आके, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो नाला देख रहे हैं आप, इसी नाले से जो है हम पिछली बार ले गए थे, 4 से 5 ही पौधे थे जो कि जंगली प्याज के यहाँ पर, तो हम पिछली बार जो है यहाँ से ले गए थे 4-5 पौधे, तो अभी जाके देखते हैं है कि नहीं। दम भी मानता नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, हमारे साथ चलता रहता है। उससे जो है जंगली प्याज से जो है तड़के पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, उसका जो है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा होता है। पिछले साल तो ऐसा नहीं था यहाँ पर, लगता है पूरा जो है बाढ़ आया यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बर्फ़ का पानी। तो दोस्तों पिछली बार जो है हमें इधर ही ऊपर मिले थे, इस बार तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। काफ़ी डेंजर है, दोस्तों काफ़ी नीचे से आ गए हम लोग ऊपर, तो अभी तक जो है हमें मिला नहीं है प्याज। पिछली बार तो यहाँ पर काफ़ी थे ना, 7-8 पौधे हमारे को यहीं मिल गए थे, यहीं नीचे की तरफ ही मिल गए थे हमारे को। तो ये पत्थर देखिए दोस्तों किस तरह से टिका हुआ है, काफ़ी खतरनाक है, नीचे से बिल्कुल भी आड़ नहीं है। ये जो पत्थर है, ये पत्थर ने इसको दबा के रखा है ना, तो इसमें फंसा हुआ है तभी जो है ये टिका हुआ है, नहीं तो ये नीचे गिर सकता था। अब एकदम से रोने लग गए, सच में बहुत ही मुश्किल था, अब मैंने तो नहीं जाना है यहाँ से नीचे, पता नहीं कहाँ से जाऊंगी, बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी मिलना मुश्किल है, पहले तो मिलता था यहाँ पर, यहाँ पर जो है बाढ़ आ गया है नाले में ना, तो बाढ़ आने की वजह से जो है पूरा साफ हो गया यहाँ से जो भी जड़ी बूटियाँ थी। थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे जाके देखते दोस्तों, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा वापसी। तो दोस्तों पूजा और रिदम जो है यहीं पर रहेंगे, मैं थोड़ा यहाँ ऊपर तक जाके देख कर आता हूँ है कि नहीं, ध्यान रखना ना। तो दोस्त देखिए पूजा और रिदम नीचे, मैं जो दोस्तों काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, तो दोस्तों प्याज जो है नहीं मिला, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जो है काफ़ी ऊपर आके भी देखा मैंने, तो ऐसी जगह पर ही मिलता है ज़्यादातर, ऐसे पहाड़ों पर ऐसे पत्थरों वाले इलाकों में, तो आज जो है मिला नहीं हमें, तो अभी जो है वापस जाना पड़ेगा, टाइम भी बहुत हो चुका है, तो अगर ज़्यादा टाइम ढूंढेंगे हम लोग तो टाइम बहुत हो जाएगा, घर जाना मुश्किल हो जाएगा, रास्ता ख़तरनाक है। तो दोस्तों हमें जो है यहाँ पे जंगली प्याज नहीं मिला, तो बहुत ढूंढा मिला नहीं, हस्बैंड जी जो है यहाँ ऊपर तक जाकर देखकर आ गए हैं, तो उन्हें भी नहीं मिला, तो हमने भी जो है इधर उधर ढूंढा नहीं मिला। तो पिछले साल जो है हमें यहीं मिल गए थे 6 से 7 जंगली प्याज का पौधा, तो इस बार नहीं मिला, फिर कभी जो है हम छुट्टी करके या हमें छुट्टी दे देंगे हमारे मालिक जी, तो हम उधर जाएंगे, वो पार देख रहे होंगे आप पहाड़, वहाँ पे जो है बहुत सारा मिलता है। तो पिछली बार जो है हमें यहीं पे मिल गए थे 6 से 7 पौधा, तो देख सकते हैं इस बार बारिश होने के कारण जो है ये नाला जो है ऊपर से जो ये ढाक गिर गया है, तो मुझे लगता है कि इस बार है ही नहीं। तो अब हम जाते हैं घर की तरफ, टाइम जो है काफ़ी हो गया है, तो नदी से लकड़ी ढूंढ के जाते हैं, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे लकड़ी बनाने के बाद। तो दोस्तों देखिए वो पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है अभी, बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसा ही है देखने में। तो वहाँ पर उसके पास में आप देख रहे होंगे ये जो बर्फ़ है 12 महीने जो है ऐसी की ऐसी रहती है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो हमें मिल गई है लकड़ी, हस्बैंड जी लकड़ी तोड़ रहे हैं और इतना जो है हमने इकट्ठा कर दिया है, तो अभी हम और भी लकड़ी ढूंढेंगे, इतने से जो है हमें नहीं होगा, जब इतने दूर आए गए तो लकड़ी लेकर ही जाएंगे घर। तो दोस्तों लकड़ियाँ भी बहुत हो चुकी है, 5 से 6 दिनों के लिए जो है हमें हो जाएगी लकड़ियाँ, तो ठीक है दोस्तों टाइम भी बहुत हो रहा है, अब बांधते हैं इसे फिर चलते हैं। मैं बहुत मैंने भी करा। तो मैं भी
दोस्तों ने पीठ पे उठा लिया है, अब चलते हैं आराम से। तो हम जो है नदी से ऊपर की तरफ चढ़े, तो यहाँ पर जो है रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है मुझे आने को। तो 7:30 बज चुके हैं और हम अभी पहुंचे हैं घर। अब करते हैं घर का काम। सबसे पहले जाऊंगी मैं नदी पानी लेने, क्योंकि पानी नहीं है। तो हम घर पहुंच गए हैं और नदी से पानी भी ले आ गए, और थोड़ा पानी लगाना था बाग में पेड़ों में, वो भी कर दिया है सारा काम। हाँ जी, तो करीबन 8:30 होने लग गए अब तो। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, चल चल के जो है बहुत थक भी गए हैं। तो अब बनाती हूँ मैं खाना, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज जो है घर पे कुछ सब्जी नहीं है, तो अंडा है, तो मैं अंडे की भुर्जी और चावल बनाऊंगी। तो दोस्तों आपसे हम माफ़ी चाहेंगे, हम जो है काफ़ी उम्मीद से गए थे जंगली प्याज लाने के लिए, तो आप लोगों को जो है दिखाना था हम लोगों ने। तो दोस्तों हम जो है माफ़ी चाहेंगे, हम जो है नेक्स्ट टाइम जो है काफ़ी ऊपर जाएंगे और वहां से जो है ज़रूर आपको दिखाएंगे, आपको वहां जो यहां पर जो जंगली प्याज मिलता है वो प्याज काफ़ी अच्छा होता है खाने के लिए भी, और खाने में तो सबसे बेस्ट है वो, है ना। हाँ जी, तो ठीक है दोस्तों खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों खाना बनकर तैयार हो चुका है, पूजा ने जो है खाना तैयार कर दिया है। तो अभी जो है टाइम हो चुके हैं, रात के 9 बज चुके हैं, दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों अंडा और चावल, ठीक है दोस्तों करते हैं खाना पीना, फिर मिलते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है और टाइम भी जो है रात के 10 बज रहे हैं, तो रिदम जो है खाते सो गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।